फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जीबी व्हाट्सएप होम स्क्रीन के टॉप 15 यूजफुल सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी जीबी व्हाट्सएप यूज करते हो तो दोस्तों इन 15 सेटिंग्स के बारे में जरूर से जान लेना। तो बस जानने के लिए बस दोस्तों आपको इस वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहना है। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर लेना। फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे जीबी व्हाट्सएप का होम स्क्रीन। तो अभी आप सभी को मैं होम स्क्रीन के टॉप 15 यूजफुल सेटिंग्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो सबसे पहला सेटिंग्स, उसके लिए सिंपल है, आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे अपने प्रोफाइल पे ऐसे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो नेम पे आपको एडिट पे ऐसे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना नाम टाइप कर लेना है और यहाँ से इसे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो अबाउट पे भी आपको ऐसे क्लिक करना है और यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो अपना अबाउट स्टेटस और यहाँ से इसे सेव कर लेना है। इतना सेटिंग करने के बाद दोस्तों वापस आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद वापस आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करना है, जाना है जीबी सेटिंग पे। जीबी सेटिंग पे जाने के बाद दोस्तों होम स्क्रीन पे जाना है, हेडर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो सेट माई नेम, ये वाला ऑप्शन अगर आपका इस तरह से ऑन होगा नहीं यानी कि ऑफ होगा तो इसे इस तरह से ऑन कर लेना है और यहाँ पे डिसेबल स्टेटस अंडर माइन है तो ए वाला ऑप्शन इस तरह से ऑन होगा तो इसे इस तरह से ऑफ कर लेना है। इतना सेटिंग करने के बाद दोस्तों आपके जीबी व्हाट्सएप के होम स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका नाम और अबाउट स्टेटस यहाँ पे शो करने लगेगा। तो दूसरा सेटिंग करने के लिए सिंपली आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करना है, जीबी सेटिंग पे जाना है और होम स्क्रीन पे ऐसे क्लिक करना है और क्लिक यहाँ पे हेडर पे जाना है। हेडर पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इनेबल इंस्टाग्राम लाइक स्टोरीज, तो इस वाले ऑप्शन को आपको इस तरह से ऑन कर लेना है। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपके जीबी व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पे यहाँ पे स्टेटस जो है यहाँ पे शो करने लगेगी। तीसरा सेटिंग करने के लिए सिंपली वापस आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करना है, जीबी सेटिंग पे जाना है। जीबी सेटिंग पे जाने के बाद होम स्क्रीन पे जाना है। होम स्क्रीन पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो डिसेबल कॉन्टेक्ट ऑनलाइन टोन्स, तो ये वाला ऑप्शन अगर आपका इस तरह से ऑन होगा तो इस तरह से वापस आपको ऑफ कर लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्टेक्ट ऑनलाइन टोस्ट लोकेशन, तो इस पे आपको इसे क्लिक करना है और यहाँ पे टॉप पे सिलेक्ट कर लेना है। इतना सेटिंग करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके जीबी व्हाट्सएप में कोई भी ऑनलाइन आता है तो दोस्तों उसका नाम जो है यहाँ पे ऊपर में शो करने लगेगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी ऑनलाइन आ रहा है तो उसका नाम जो है यहाँ पे ऊपर में शो कर रहा है। चौथा सेटिंग दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी को बता देता हूँ, ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वाईफाई वाला आइकोन है इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे और यहाँ से इसे एक्टिव कर लोगे तो दोस्तों आपके जीबी व्हाट्सएप का इंटरनेट डाटा जो है वो बंद हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप पे किसी को भी मैसेज भी नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे किसी को भी मैसेज भी नहीं कर सकते और आपको किसी का मैसेज भी नहीं आएगा। और दोस्तों इसके अलावा आप किसी भी ऐप में इंटरनेट जो है वो यूज कर सकते हो, यानी कि दोस्तों YouTube, Instagram, Facebook आप कोई भी एप्लीकेशन को चला सकते हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपके जीबी व्हाट्सएप जो है सिर्फ बंद रहेगा। और जैसे ही दोस्तों वापस आप इस वाईफाई वाले आइकन पे ऐसे क्लिक कर दोगे तो दोस्तों आपका जीबी व्हाट्सएप जो है वापस चालू हो जाएगा और आपका आपको मैसेज भी आने लगेगा और आपके मैसेजेस भी जाने लगेंगे। पांचवा सेटिंग करने के लिए सिंपली दोस्तों आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करना है, जीबी सेटिंग पे जाना है और वापस आपको होम स्क्रीन पे ऐसे क्लिक करना है और जाना है आपको रो वाले ऑप्शन पे। रो वाले ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हो डिसेबल ऑनलाइन डॉट और यहाँ पे आप देख सकते हो डिसेबल कॉन्टेक्ट ऑनलाइन एंड लास्ट सीन, ये वाला ऑप्शन अगर दोस्तों ये दोनों ऑप्शन आपके ऑन हो गए तो इसे आपको इस तरह से ऑफ कर लेना है। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आपके जीबी व्हाट्सएप में कोई भी ऑनलाइन आएगा तो उसके कॉन्टेक्ट के ऊपर ऐसे ग्रीन कलर में डॉट दिखेगा और यहाँ पे ऑनलाइन भी शो करने लगेगा। और दोस्तों ऑनलाइन नहीं रहेगा तो उसके जगह पे यहाँ पे उसका लास्ट सीन जो है वो शो करने वाला है। बस दोस्तों आपको दो ऑप्शन जो है इसे ऑफ कर लेना है। सेटिंग जो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है, तो वो करने के लिए सिंपल है आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करना है, जीबी सेटिंग पे जाना है और जाना है आपको यूनिवर्सल पे। यूनिवर्सल पे जाने के बाद स्टाइलिश एंड लुक एंड फील पे ऐसे क्लिक करना है और फोन स्टाइल पे ऐसे क्लिक कर लेना है और इसमें से दोस्तों आपको जो भी फोन स्टाइल पसंद आता है उसको आपको सिंपल ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। और इतना करने के बाद दोस्तों आप जैसे ही बैक आओगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो आपके जीबी व्हाट्सएप के होम स्क्रीन का जो है यहाँ पे फोन स्टाइल जो है वो चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से कोई भी एक अच्छा फोन स्टाइल यहाँ पे रख सकते हो। तो फ्रेंड्स सातवीं सेटिंग जो है बहुत ही अमेजिंग सेटिंग है, वो करने के लिए सिंपल आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करना है, जीबी सेटिंग पे जाना है और यहाँ पे आपको यूनिवर्सल वाले ऑप्शन पे ऐसे क्लिक करना है और कलर्स पे चले जाना है। और कलर्स पे जाने के बाद दोस्तों आपको बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हो सोल्ड कलर, ग्रे नाइट कलर और फोटोज, तो यहाँ पे आपको ग्रे नाइट कलर पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो कलर 1, तो कलर 1 पे आपको इसे क्लिक करना है और यहाँ पे अपने पसंद का आप कोई भी कलर ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ और यहाँ पे कलर 2 पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैं रेड कलर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आप
टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, तो ये फिलहाल मैं यहाँ पे लेफ्ट राइट रखता हूँ और यहां से मैं इसे ओके कर लेता हूँ। इतना सेटिंग करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपकी जीबी व्हाट्सएप का होम स्क्रीन जो है इस तरह से कॉम्बिनेशन कलर में चेंज हो जाएगा। फ्रेंड्स सातवीं सेटिंग करने के बाद दोस्तों ये आठवां सेटिंग जो है आपको 100% करना ही करना है। तो उसके लिए सिंपली वापस आपको इस थ्री डॉट पे क्लिक करना है, जीबी सेटिंग पे जाना है और जाना है यूनिवर्सल पे। यूनिवर्सल पे जाने के बाद दोस्तों वापस आपको कलर्स पे जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिवर्सल कलर पे आपको इसे क्लिक करना है और यहाँ पे वापस आपको ग्रेनाइट कलर पे इसे क्लिक करना है और यहाँ पे कलर वन पे आपको कोई भी एक कलर ले लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं ग्रीन ले लेता हूँ, ग्रीन कलर ले लेता हूँ और यहाँ पे ग्रीन और ब्लैक ही रहने देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कलर टू में भी आप कोई एक कलर ऐड कर सकते हो लेकिन यहाँ पे फिलहाल ब्लैक ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, यहाँ पे आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल अभी मैं आप सभी के सामने टॉप और बॉटम रख लेता हूँ और यहाँ से इससे मैं ओके कर लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो हेडर का कलर जो है कुछ चेंज हो चुका है। तो बहुत ही अमेजिंग सेटिंग है, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो फ्रेंड्स सातवीं सेटिंग और आठवीं सेटिंग करने के बाद दोस्तों ये नौवीं सेटिंग जो है आपको 100% करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों नहीं तो आपके टेक्स्ट जो है यहाँ पे शो नहीं करेंगे। इसके लिए सिंपली आपको इस थ्री डॉट पे क्लिक करना है, जीबी सेटिंग पे जाना है और दोस्तों यहाँ पे आपको जाना है होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे जाने के बाद रॉ पे ऐसे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्स्ट कलर, तो इस पे आपको ऐसे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे न्यू कलर पे ऐसे क्लिक करके यहाँ से बैक आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे होम स्क्रीन के सभी टेक्स्ट कलर जो है यहाँ पे व्हाइट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप भी जीबी व्हाट्सएप यूज करते हो तो आपको ये दसवीं सेटिंग के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर में जो आपने अपना नाम सेट किया है उस पर आप जैसे ही टच करोगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पैटर्न पिन फिंगरप्रिंट, तो दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक पैटर्न लॉक को जो है सेट कर लिया है। सेट करने के बाद दोस्तों सिंपली आप किसी के भी कॉन्टेक्ट के ऊपर इसे लॉन्ग प्रेस करोगे। जैसे कि यहाँ पे दो कॉन्टेक्ट मैंने सिलेक्ट कर लिए और इस थ्री डॉट पे आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे एक हाइड चैट का ऑप्शन आ जाएगा, तो इस पे आपको इसे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपका पैटर्न जो भी रहेगा वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से वो दो कॉन्टेक्ट जो है यहाँ से हाइड हो चुके हैं। जैसे कि दोस्तों आप इस पे जैसे ही वापस क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका पैटर्न डाल दोगे तो यहाँ पे आपको उसकी चार्ट जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो वापस आप इस पे इसे लॉन्ग प्रेस करोगे और यहाँ से इसे अनहाइड भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत ही अमेजिंग सेटिंग है, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले है। इसके नाम के पीछे आप किसी के भी चैट को हाइड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ग्यारहवां सेटिंग बहुत ही अमेजिंग और लाजवाब है। तो वो करने के लिए सिंपली आपको इस थ्री डॉट पे क्लिक करना है, जीबी सेटिंग पे जाना है और होम स्क्रीन पे जाना है और यहाँ पे हेडर पे इसे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो होम यूआई स्टाइल, तो उस पर आपको इसे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको पांच स्टाइलिस्ट देखने को मिल जाएगी। जैसे कि मैंने सेकंड वाले पे रखा है तो यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट करोगे। जैसे कि मैं फर्स्ट वाले पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से मैं बैक जाके आप सभी को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपने जीबी व्हाट्सएप का होम स्टाइल जो है यानी कि होम स्क्रीन का स्टाइल जो है कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको नहीं पसंद है तो वापस आपको इस थ्री डॉट पे क्लिक करना है, जीबी सेटिंग पे जाना है और होम स्क्रीन पे जाने के बाद हेडर पे चले जाना है और वापस होम यूआई स्टाइल पे ऐसे क्लिक करना है और व्हाट्सएप यानी कि सेकंड वाले पे वापस सिलेक्ट कर लेना है। तो इस सेटिंग भी दोस्तों आप इस तरह से यूज कर सकते हो। ये 12वां सेटिंग जो है यहाँ पे जीबी व्हाट्सएप में जो सभी की प्रोफाइल शो कर रही है इसके लिए, तो वो सेटिंग करने के लिए सिंपली आपको इस थ्री डॉट पे क्लिक करना है, जीबी सेटिंग पे जाना है और होम स्क्रीन पे ऐसे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो फोटोज कॉर्नर, तो ये वाला ऑप्शन आप इस यहाँ पे ये लाइन देख रहे हो आप इस तरह से कम ज्यादा करोगे। तो दोस्तों आप सभी को मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं सेंटर में रखे रख देता हूँ और यहाँ से मैं बैक जाके आप सभी को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके प्रोफाइल पिक जो है यहाँ पे कुछ स्क्वायर में आ चुके हैं। अगर दोस्तों आप पूरा जीरो पे कर दोगे तो आपके ये जो प्रोफाइल पिक है सभी की स्क्वायर में हो जाएगी। फ्रेंड्स 13वां सेटिंग करने के लिए सिंपली आपको इस थ्री डॉट पे क्लिक करना है, जीबी सेटिंग पे जाना है, होम स्क्रीन पे जाना है और हेडर पे ऐसे क्लिक करना है और सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हो टैब बैकग्राउंड कलर, तो इस पे आपको इसे क्लिक करना है और ग्रेनाइट पे इसे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे कलर वन पे आपको अपने पसंद का कोई भी कलर ले सकते हो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैं रेड कलर ले देता हूँ और कलर टू पे दोस्तों यहाँ पे मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं टॉप बॉटम सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इसे ओके कर लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा रेड और ब्लैक का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे ये जो चैट ग्रुप स्टेटस कॉल का एक यहाँ पे स्टेटस बार यानी कि यहाँ पे कलर जो है वो चेंज
हो तो चुका फ्रेंड है। 14 वॉट सेटिंग करने के लिए सिंपल है, आपको इस 3 डॉट पे ऐसे क्लिक करना है, जीबी सेटिंग पे जाना है, होम स्क्रीन पे जाना है और हेडर पे ऐसे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्टोरेज स्टाइलिश, तो उस पर आपको ऐसे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 5 स्टाइलिश देखने को मिल जाएंगे। तो जिससे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आरसी फेसबुक करके थर्ड वाला ऑप्शन जो है उसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से बैक जाके मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप जो स्टोरी यहाँ पे होम स्क्रीन पे लगाइए उसका स्टाइलिश जो है कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो वापस आपको इस 3 डॉट पे जाने के बाद जीबी सेटिंग पे, होम स्क्रीन पे और यहाँ पे हेडर पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोरी स्टाइल, तो वापस आप स्टॉक पे इसे रख सकते हो। तो फ्रेंड 15वां और लास्ट सेटिंग जो है यहाँ पे मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, जिससे कि दोस्तों ये जो ऊपर में स्टेटस बार और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो नेविगेशन बार है, इसका कलर आप चेंज करना चाहते हो तो सिंपली उसके लिए आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करना है, जीबी सेटिंग पे जाना है, यूनिवर्सल पे जाना है और कलर्स पे जाना है। इतना सेटिंग करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटस बार, स्टेटस बार में मैं यहाँ पे ग्रीन कलर रख लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर रख दिया है और नेविगेशन बार में दोस्तों यहाँ पे मैं ये ग्रीन कलर, यहाँ पे भी ग्रीन कलर रख लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों पे ग्रीन कलर रख दिया है, तो यहाँ से मैं बैक चले जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो नेविगेशन बार में ग्रीन कलर और यहाँ पे ऊपर में भी ग्रीन कलर आ चुका है। तो आप अपने हिसाब से अपने पसंद का कोई भी कलर जो है वो यहाँ पे रख सकते हो। तो फिलहाल तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आप सभी को जीबी व्हाट्सअप होम स्क्रीन के टॉप 15 सेटिंग जो है यहाँ पे मैं आप सभी को बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू दोस्तों।